मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4th ऑफ इंग्लिश क्लास 1st। द चैप्टर नेम इज द टॉर्टॉइज एंड द स्वान्स, कछुआ और हंस। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर। टेक मी विथ यू प्लीज, कॉल्ड फ्रेड द टॉर्टॉइज टू अ ग्रे स्वान एंड अ व्हाइट स्वान दैट वेयर फ्लाइंग ओवर। क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं, फ्रेड ने कहा, जो कि कछुए का नाम था। ग्रे स्वान और व्हाइट स्वान से कहा, जो कि ऊपर उड़ रहे थे। द स्वान सा फ्रेड एंड फ्लू डाउन टुवर्ड्स हिम। जब दोनों हंसों ने उसकी तरफ देखा तो वे नीचे आ गए। डू यू रियली विश टू गो विथ अस, आस्क्ड द स्वान्स एज दे केम डाउन टू द ग्राउंड वेयर फ्रेड वॉज। क्या आप सच में तुम्हारी इच्छा है हमारे साथ जाने की, स्वान ने पूछा, और नीचे आकर वे लोग खड़े हो गए। आई श्योरली डू, रिप्लाइड फ्रेड द टॉय टॉयज। हाँ, मैं सच में जाना चाहता हूँ, किसने कहा, फ्रेड ने कहा, जो कि टॉय टॉयज का नेम था। विल यू प्लीज टेक मी विथ यू, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे। वाई नॉट, आई थिंक वी कैन डू सो, सेड द व्हाइट स्वान इन अ लो वॉइस। हाँ, क्यों नहीं, हम इस बारे में सोच सकते हैं, व्हाइट स्वान ने कहा, धीमी आवाज में कहा। किससे, टॉर्टॉइज से कहा। द टू स्वान्स टॉक्ड टुगेदर इन लो टोन्स फॉर अ फ्यू मिनट्स, देन दे फ्लू टू द वुड। दे सून बोथ वेक अ स्ट्रॉन्ग ट्विग एंड ड्रॉप्ड इन द फ्रंट ऑफ फ्रेड। वो दोनों स्वान्स ने क्या किया, कुछ देर तक आपस में बात की, धीमे स्वर में बात की, उसके बाद वे एक लकड़ी का टुकड़ा, ट्विक किसको बोलेंगे, लकड़ी की टहनिया, उसको लेने के लिए चले गए और लाकर किसके सामने डाल दिया, टॉर्टॉइज के सामने डाल दिया। नाउ सेड द स्वान्स, If we take you off to see the world, you must promise us one thing. अगर तुम हमारे साथ उड़ना चाहते हो तो तुम्हें हमसे एक प्रॉमिस करना होगा। What is that? asked Fred. वह क्या है, फ्रेड ने पूछा। I will promise almost anything if you let me come with you. मैं कोई भी प्रॉमिस करने के लिए तैयार हूँ अगर आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे। You must promise not to say one word while you are in the air. Not one words, replied the swans. तुम्हें यह प्रॉमिस करना होगा कि जब तक तुम हवा में रहोगे तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे, एक भी शब्द नहीं। किसने कहा, स्वान ने कहा। All right, I promise, said Fred. हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, फ्रेड ने कहा। Sometimes I do not say a word for the whole day because there is no one to listen to me. ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, फ्रेड ने कहा, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा दिन मेरी बात सुनने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। वेल, टेक फ्रॉम होल टू द मिडिल ऑफ द ट्विग, वी आर रेडी टू स्टार्ट, सेड द ग्रे स्वान। ठीक है, तुम इस लकड़ी की टहनी को ठीक से सेंटर में, मिडिल में पकड़ लो, हम शुरू करने के लिए तैयार हैं। कौन बोलता है, ग्रे स्वान। किसने कहा, ग्रे स्वान ने। इफ यू वैल्यू योर लाइफ यू मस्ट होल्ड ऑन टू इट टाइटली, सेड द व्हाइट स्वान। अगर तुम अपने जीवन की कीमत समझते हो तो तुम्हें इस लकड़ी की टुकड़े को, टहनी को ठीक से कसकर पकड़ना होगा। कौन कहता है, व्हाइट स्वान कहता है। किससे कहता है, फ्रेड से। फ्रेड टुक होल्ड ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्विग and the swan took hold of on end each. Fred उस लकड़ी की, उस टहनी की टुकड़े को सेंटर में देखता है और कसकर पकड़े रहता है। Then they flew up, up, up. Fred swung from the middle of the twig. Was enjoying it or not? Only he could now. He never had such a ride before. इसके बाद भी ऊपर उड़ते जाते हैं, उड़ते जाते हैं, उड़ते जाते हैं, और जो फ्रेड रहता है वो कसकर पकड़े रहता है और इंजॉय करता है कि नहीं, ये तो सिर्फ वही जानता है। ही नेवर हैड सच अ राइड बिफोर, वह इसके पहले ऐसी राइड पर कभी नहीं गया था।
They had gone a long, long way safely when they come to a hay field. The haymakers looked up and saw the swans and flew fled in the air. वे इसके बाद बहुत दूर तक सेफली चले जाते हैं और एक हे फील्ड में पहुंचते हैं, जहां पर एक हे मेकर उनको देखकर कहता है कि देखो स्वान और फ्रेड, जो कि टॉर्टॉइस का नेम था, हवा में उड़ रहे हैं। हो हो, द टॉर्टॉइस हैज स्टोलन सम विंग्स, कॉल्ड वन ऑफ द हे मेकर्स। ओ हो, देखो देखो, लगता है टॉर्टॉइस ने इसके पंख चुरा लिए हैं। कौन बोलता है? एक हे मेकर बोलता है। What a queer query he has, laughed another in a loud voice. I pity his horses, said another. और जो दूसरा हेमेकर्स होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे इसके घोड़ों पर दया आ रही है। This made Fred the tortoise so angry that he carried out you, but no one knows what he was going to say, for at once he fall off the twig, kerplunk to the ground. क्या होता है उसके बाद? जो टॉर्टॉइस होता है वो उसको गुस्सा आ जाती है और वो क्या बोलता है, तुम, बस इतना ही बोल पाता है। इसके आगे हमें पता नहीं है कि वो क्या कहना चाह रहा था और वो नीचे गिर जाता है। सो चैप्टर इज फिनिश्ड। द मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या सीखा आपने इस कहानी से? तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि फ्रेड ने अपना प्रॉमिस तोड़ा और वो नीचे गिर गया, जमीन पे गिर गया और उसको चोट लग गई। न्यू वर्ड्स, यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिए हैं कुछ। स्ट्रांग मीन्स मजबूत, ट्विग मीन्स लकड़ी की टहनी या लकड़ी का टुकड़ा भी बोल सकते हैं, ब्राउथ मीन्स लाना, ऑलमोस्ट लगभग, टाइटली कसकर पकड़ना, हे सूखी घास, कैरिज मीन्स घोड़ा गाड़ी, क्वीर मीन्स विचित्र। सो नाउ कम टू द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर वन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन टू द कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेड वॉज अ स्वान, रैबिट, टॉर्टॉइस। जो फ्रेड था वो कौन था, स्वान था, रैबिट था या टॉर्टॉइस था? तो फ्रेड वॉज अ टॉर्टॉइस। फ्रेड किसका नाम था? टॉर्टॉइस का नाम था। क्वेश्चन नंबर टू, ग्रे स्वान एंड व्हाइट स्वान वेयर स्विमिंग, फ्लाइंग ओवर, रनिंग। ग्रे स्वान और व्हाइट स्वान क्या कर रहे थे? स्विमिंग कर रहे थे, फ्लाइंग ओवर उड़ रहे थे या रनिंग कर रहे थे, ऊपर उड़ रहे थे। तो आंसर इज फ्लाइंग ओवर। थर्ड, स्वान्स कैन डैश, फ्लाई, सिंग, होप। स्वान्स क्या कर सकते थे? फ्लाई कर सकते थे। तो करेक्ट आंसर इज फ्लाई। फोर्थ, फ्रेड नेवर हैड सच एस फ्लाई, ट्राई, ड्राइव। तो आंसर इज राइड। क्वेश्चन नंबर टू, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ओके, जो राइट सेंटेंस है उनके आगे ट्रू लिखना है, टी लिखना है, और जो फॉल्स सेंटेंस है उनके आगे एफ लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर वन इज फ्रेड वॉज अ डक, फॉल्स, बिकॉज फ्रेड क्या डक था? नहीं, डक नहीं था, वो तो टॉर्टॉइस था। ओके, तो क्या आएगा? फॉल्स। सेकेंड, स्वान्स वेयर व्हाइट एंड ग्रे इन कलर। स्वान्स के कलर कौन कौन से थे? व्हाइट एंड ग्रे। क्या आएगा? ट्रू। थर्ड, फ्रेड कुड फ्लाई, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फ्रेड उड़ सकता था, नहीं उड़ सकता था, तो क्या आएगा? फॉल्स। फोर्थ, फ्रेड टुक होल्ड ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्विग, ट्रू। ओके, आंसर इज क्या होगा सेंटेंस? ट्रू। फिफ्थ, द टॉर्टॉइस वॉज सो हैप्पी दैट ही कैरीड आउट, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सी, Who said to whom? किसने किससे कहा? फर्स्ट है, फर्स्ट इज टेक मी विथ यू प्लीज। किसने कहा था टेक मी विथ यू प्लीज, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? फ्रेड सेड टू स्वान्स। किसने कहा था? फ्रेड सेड टू
स्वान्स. सेकेंड, आई श्योरली डू, मैं सच में जाना चाहता हूँ. फ्रेड डैश सेड टू, डैश तो क्या आएगा, फ्रेड सेड टू वाइट स्वान. जो फ्रेड था, जो फ्रेड किसका नाम था, टॉर्टॉइस का, तो फ्रेड सेड टू वाइट स्वान्स, वाइट स्वान सफेद हंस से कहा. थर्ड, नॉट वन वर्ड, एक भी शब्द नहीं, किसने बोला, स्वान सेड टू फ्रेड. ओके, स्वान सेड टू फ्रेड. फोर्थ, वेल टेक फ्रॉम होल्ड टू होल्ड ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्विग, ग्रे स्वान सेड टू फ्रेड, किसने बोला था, ग्रे स्वान ने फ्रेड से कहा था कि इस लकड़ी को सेंटर में मिडिल में ठीक से कसकर पकड़ो. फिफ्थ, द टॉर्टॉइस हैज स्टोलन सम विंग्स, इस टॉर्टॉइस ने कुछ पंख चुरा लिए हैं, किसने बोला था, हे मेकर सेड टू अनदर हे मेकर्स. ओके, किसने बोला था, हे मेकर सेड टू अनदर हे मेकर. सिक्स्थ, आई पिटी हिज हॉर्सेस, हे मेकर सेड टू अनदर, जो हे मेकर था वो उसने बोला था, मुझे इसके घोड़ों पर दया आ रही है, तो एक हे मेकर ने दूसरे से बोला था, हे मेकर सेड टू अनदर. क्वेश्चन नंबर डी, लेट अस आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यहाँ पर हमको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर बताने हैं. सो क्वेश्चन नंबर वन इज, वॉट विस डिड फ्रेड द टॉर्टॉइस टेल टू द स्वान्स, जो फ्रेड था उसकी क्या इच्छा थी, वो क्या करना चाहता था. सो आंसर इज, द विश द टॉर्टॉइस टोल्ड टू द स्वान्स दैट ही ऑल्सो वॉन्ट फ्लाई इन द स्काई विथ स्वान्स, जो टॉर्टॉइस था जिसका नाम की फ्रेड था, उसकी इच्छा थी कि वो भी स्वान्स के जैसे स्काई में फ्लाई करे, आसमान में उड़े. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड द व्हाइट स्वान से, जो व्हाइट स्वान था उसने क्या बोला, क्या कहा. आंसर इज, व्हाइट स्वान सेड दैट इफ यू वैल्यू योर लाइफ यू मस्ट होल्ड ऑन टू इट टाइटली, अगर तुम अपने जीवन की कीमत समझते हो तो तुम्हें इस जो ट्विग है इसको कस के पकड़ना होगा. क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट प्रॉमिस डिड द स्वान टेक फ्रॉम फ्रेड, जो स्वान था उसने फ्रेड से क्या प्रॉमिस लिया, तो उसने प्रॉमिस क्या लिया देखते हैं. सो आंसर इज, दैट यू मस्ट प्रॉमिस नॉट टू से वन वर्ड व्हाइल यू आर इन द एयर, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि जब तक हम एयर में रहेंगे तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु सा देम फ्लाइंग ओवर अ हे फील्ड, जब वो एक हे फील्ड में पहुंचे तो क्या देखा वहां पर, क्या क्या देखा, तो आंसर इज, हे मेकर सा देम फ्लाइंग ओवर अ हे फील्ड, हे मेकर सा देम फ्लाइंग ओवर अ हे फील्ड, जब वे हे फील्ड के ऊपर फ्लाई कर रहे थे तो उनको किसने देखा था, हे मेकर्स ने. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, व्हाट मेड फ्रेड सो एंग्री, वो फ्रेड था वो उसको गुस्सा क्यों आ गई. सो आंसर इज, आफ्टर लिसनिंग द टॉक्स ऑफ हे मेकर्स मेक द फ्रेड द टॉर्टॉइस सो एंग्री, जब फ्रेड ने उन हे मेकर्स की बातें सुनी तो उनको उसको गुस्सा आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, व्हाट हैपेंड एट द एंड, उसके बाद क्या हुआ, खत्म क्या हुआ, कैसे हुआ. एट द एंड फ्रेड द टॉर्टॉइस फेल ऑफ द ट्विग कर प्लंग टू द ग्राउंड. ओके, सो लास्ट में क्या होता है, जो फ्रेड रहता है उसके हाथ उसके जो मुंह में वो पकड़े रहता है, उससे क्या होता है, ट्विग छूट जाती है और वो जाकर जमीन पर गिर पड़ता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ड पावर वर्ड वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर ई, रीड द फॉलोइंग वर्ड सर्किल द ऑड वर्ड इन ईच लाइन, आपको यहाँ पर कुछ लाइन्स दी है, इसमें थ्री वर्ड सेम है बट एक क्या है, डिफरेंट है, ऑड है, आपको ऑड बताना है क्या है. तो फर्स्ट है डक, डक सेक बैक पैक, आप देख सकते हैं सेक बैक पैक, बट डक क्या है, ये डिफरेंट हुआ, ऑड हो गया, तो हम किस पर करेंगे, किस पर सर्किल आएगा, डक पर. बोन सेकेंड है, बोन टोन कोन डन, ये तीनों क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं, बोन टोन कोन, बट डन का प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो किस पर हम सर्किल करेंगे, इस पर आएगा सर्किल डन. थर्ड, हाउ लो नाउ
काउ, हाउ नाउ काउ, बट लो क्या है, डिफरेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो रहा है, तो किस पर आएगा सर्किल, लो पर। फोर्थ, फीड सेड सीड बीट, फीड सीड बीट सेड, ये अलग हुआ ना, किस पर आएगा सर्किल, सेड। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एफ। ओके, मैच द वर्ड विद द करेक्ट पिक्चर्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हैं, आपको उनको मैच करना है करेक्ट पिक्चर से। यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हैं, उनके नेम दिए हैं, यहाँ पर पिक्चर्स दी हैं। सो फर्स्ट वर्ड क्या है, ट्री। ट्री का, ट्री की पिक्चर कहाँ पे है, ये है, ये क्या है, ट्री। स्पेलिंग क्या होती है, टी आर डबल ई, तो किससे मैच करेंगे, इसको इससे मैच करेंगे, ट्री से। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या है, बटर। ओके, बटर को इस पिक्चर से मैच करेंगे। नेक्स्ट है सूज, सूज को किससे मैच करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे सूज की पिक्चर दी है, तो सूज को इससे मैच करेंगे। बैग, बैग दिख रहा है आपको, बी ए जी बैग, इसको किससे मैच करेंगे, इससे करेंगे। राफ्ट, राफ्ट मीन्स लकड़ी, लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया ये नाव, नाव किससे बनती है, लकड़ी से ही बनती है, लकड़ी को जोड़कर नाव बनाई जाती है, तो किससे मैच करेंगे, राफ्ट को इससे। एप्पल, एप्पल कहाँ दिया है, ये दिख रहा है एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल, एप्पल को किससे मैच करेंगे, एप्पल से। स्वान, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वान दिया है, स्वान मीन्स क्या होता है, हंस, इसको किससे मैच करेंगे, ये वाली पिक्चर से। नेक्स्ट क्या है, लेटर, लेटर कहाँ दिया है, लेटर की पिक्चर कहाँ दी है, ये दी है, एल ई डबल टी ई आर लेटर, लेटर मीन्स, लेटर किसको बोलते हैं, पत्र को बोलते हैं, इसको किससे मैच करेंगे, इससे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामर फन। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर जी, राइट दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनको आपको अल्फाबेटिकल में यहाँ पर राइट करना है। ओके, जैसे जू, जे जेड डबल ओ जू, इसको कहाँ पर राइट करेंगे, जेड, जेड कहाँ पे दिया है, ये दिया है लास्ट में, तो उसको कहाँ पे फिल करना है, यहाँ पर जू को। ओके, सो लेट स्टार्ट। ए, ए से क्या वर्ड आया है यहाँ पर, अगस्त। ओके, तो अगस्त को कहाँ पे राइट करेंगे हम, किस ब्लैंक्स में राइट करेंगे, यहाँ पर। अगस्त की स्पेलिंग क्या होती है, ए यू जी यू एस टी, अगस्त। नेक्स्ट बी, बी से क्या वर्ड आया है, ब्रदर। ओके, बी से क्या वर्ड आया है, ब्रदर, तो ब्रदर को कहाँ पे राइट करेंगे, बी के आगे वाले ब्लैंक्स में। ओके, बी आर ओ टी एच ई आर, ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई। नेक्स्ट सी, सी से क्या वर्ड आया है, सिटी। सिटी को हम कहाँ पे राइट करेंगे, इसको कहाँ पे राइट करेंगे, सी के आगे वाले ब्लैंक्स में, सी आई टी वाई, सिटी। नेक्स्ट डी, डी से क्या वर्ड आया है, डॉल, डी ओ डबल एल, डॉल। डॉल को कहाँ पे राइट करेंगे, डी के आगे वाले ब्लैंक्स में। नेक्स्ट ई, ई से क्या वर्ड है, एलिफेंट। ओके, एलिफेंट को कहाँ पे राइट करना है, ये वर्ड दिया है एलिफेंट, इसको हम ई के आगे राइट करेंगे। एफ, एफ से क्या वर्ड आया है, फैन, एफ ए एन, फैन। ओके, फैन को कहाँ राइट करेंगे, एफ के आगे। नेक्स्ट जी, जी से क्या वर्ड है, गोट, जी ओ ए टी, गोट मीन्स बकरी, इसको कहाँ पे राइट करेंगे, ये वाली गोट को, जी के आगे। ऐसे क्या है, क्या वर्ड है, हॉर्स, एच ओ आर एस ई, हॉर्स मीन्स घोड़ा, तो इसको कहाँ पे राइट करेंगे, एच के आगे वाले ब्लैंक्स में। ओके, नेक्स्ट आई, आई डबल एल इल। ओके, इल को कहाँ पे राइट करेंगे, आई के आगे लिखेंगे। जे, जे से क्या वर्ड है, जग, जे यू जी, जग। ओके, जग को कहाँ पे राइट करेंगे, जे के आगे वाले ब्लैंक्स में। ओके, ये जग दिया है, इसको यहाँ पे राइट करेंगे। के से क्या वर्ड है, के ई वाई की। ओके, की कहाँ पे दिया है, के ई वाई की, की को कहाँ पे राइट करेंगे, के आगे वाले ब्लैंक्स में। नेक्स्ट एल, एल ए एम पी लैम्प। ओके, लैम्प को कहाँ पे राइट करेंगे, एल के आगे वाले ब्लैंक्स में। नेक्स्ट एम, एम से क्या वर्ड है, मदर, एम ओ टी एच ई आर, मदर मीन्स माँ। ओके, तो एम को कहाँ पे राइट करेंगे, एम के आगे वाले ब्लैंक्स में मदर को राइट करेंगे। नेक्स्ट एन, एन से क्या वर्ड है, नेस्ट, एन ई एस टी, नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला। ओके, नेक्स्ट क्या है, ओ, ओ से क्या वर्ड आया है, ऑरेंज, ओ आर ए एन जी, ऑरेंज मीन्स संतरा। ओके,
तो और एंड ओ को कहाँ पे राइट करेंगे? आगे वाले ब्लैंक्स में. नेक्स्ट क्या है? पैरेट, पी ओ पी ए डबल आर ओ टी, पैरोट. ओके, नेक्स्ट है क्या वर्ड आया है? टीचर. ओके, तो टी को कहाँ, टी के आगे वाले ब्लैंक्स में क्या राइट करना है? टीचर. नेक्स्ट यू से क्या वर्ड आया है? देखिए अम्ब्रेला. ओके, अम्ब्रेला की स्पेलिंग क्या होती है? यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला. अम्ब्रेला मीन्स छाता. नेक्स्ट क्या है? जेड. जेड से क्या वर्ड आया है? जू. जू की स्पेलिंग क्या है? जेड डबल ओ जू, जू. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्या है? लिसन टू योर टीचर एंड रिपीट द टाइम स्टार्टिंग विथ इट इज. आपको यहाँ पर कुछ क्लॉक्स दी हैं. ओके, आपको बताना है कि कितना टाइम हुआ है. आप देखेंगे यहाँ पे कितने बजे हैं. इट इज 11 o'clock. ये जो बड़ा वाला काटा है ये किस पे है? 12 पे है. और ये छोटा वाला 11 पे है. इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज 11 o'clock. ओके, नेक्स्ट ये बड़ा वाला किस पे है? एरो. 12 पे है. और छोटा वाला किस पे है? 2 पे है. तो क्या बोलेंगे इसको? इट इज 2 o'clock. इट इज 2 o'clock. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? ये छोटा वाला जो एरो है ये किस पे है? 2 पे है. एंड बड़ा वाला किस पे है? 4 पे है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? 20 past 2. ओके, क्या बोलेंगे? 20 past 2, मतलब 2:20. ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये छोटा वाला किस पे है? एरो 6 पे है. एंड बड़ा वाला है 12 पे है. तो ये कितने, अभी कितने बज रहे हैं इसमें? 6 बज रहे हैं. तो उसको क्या बोलेंगे? इट इज 6 o'clock. इट इज 6 o'clock. नेक्स्ट है हमारा राइटिंग स्किल्स. ओके, आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हैं, उनको आपको फिल करना है, इसमें बताना है, फिल करना है. वर्ड्स दिए हैं उनको इसमें फिल करना है. जी, यूज द फॉलोइंग फेजेस इन द ब्लैंक्स एज यू थिंक फिट. आपको यहाँ पर फेजेस दिए हैं, आपको जो भी वर्ड सही लगता है आपको उसमें राइट करना है. ओके, हियर इज योर पेंसिल प्लीज. क्या बोलें, क्या बोलना है आपको बताइए? यस प्लीज या नो प्लीज? क्या आएगा इसमें? नो प्लीज. ओके, मे आई हैव योर कॉमिक. क्या मैं तुम्हारी कॉमिक ले सकती हूँ? तो क्या बोलना है आपको? यस प्लीज. नेक्स्ट, मे आई हेल्प यू प्लीज. क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए? यस प्लीज. ओके, नेक्स्ट, थैंक यू फॉर योर हेल्प. आपकी मदद करने के लिए धन्यवाद. तो आपको रिप्लाई क्या देना है? इट्स ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जे, राइट द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. आपने अभी जो स्टोरी रीड की उसे आपको क्या मोरल मिलता है, क्या सीख मिलती है, बताइए. इसको अपने वर्ड में लिखना है. तो द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज वी शुड नेवर ब्रेक अवर प्रॉमिस. हमें कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए. ओके, हमें यही मोरल मिलता है इस स्टोरी से. थैंक यू, हैव अ गुड डे.